सी न्यूज ट्रेन में चुनावी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर 400 पार के दावे में कितनी सच्चाई है। गुवाहाटी से ओखा जा रही ट्रेन में यात्रियों से चुनावी चर्चा की गई, हकीकत सामने थी। पहला चरण खत्म, दूसरा चरण खत्म, अब तीसरे चरण की बारी है। इस समय हम गुवाहाटी असम से ओखा जाने वाली ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और तमाम सारे यात्री इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ट्रेन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप इस बात का पता लगा सकते हैं आखिर कौन देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वोट देने जाते हैं आप? वोट देते हैं? नहीं देते? वोट नहीं देते हैं? वोट देने आप जाते हैं? सॉरी सर, वोट देने जाते हैं? आप जाते हैं? अच्छा, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का? प्रधानमंत्री तो अभी तो मोदी बनने का चांस है। अच्छा, कैसे बनने का चांस है? ये वो लोग अभी सरकार अभी तो बहुत पहले से सुविधा किया हुआ है। अच्छा, जैसे रेल का भी आना जाना पहले का जैसा अभी तरक्की हुआ है। आप समझ सकते हैं अब किसकी सरकार बननी चाहिए? फिर से मोदी सरकार बनना चाहिए फिर से। क्यों बननी चाहिए? इसलिए कि वे ओल्ड में उसका नाम बहुत सुंदर है। ऐसा नेता आज तक धरती में पैदा ही नहीं हुआ था कि पूरे ओल्ड में इसका नाम होना। मोदी का भगवान है? भगवान नहीं है, भगवान के रूप में है वो। अभी 500 बरस मंदिर नहीं बना था, कैसे बना? आखिर ये भी तो कोर्ट में था, अदालत में था। आखिर ये क्या किया? आखिर उसी को संचालन किया, संचालन किया तो बढ़िया हो गया। विश्व में इसका नाम है, हर नेता इसका मान्यता देता है। और सब नेता को क्यों नहीं देता था? पहले प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, 14वां स्थान था भारत का, और अभी पहला से पहला है पूरे वर्ल्ड में। अभी सेना के ऊपर पे दिया कितना छूट, कितना अच्छा काम किया, सब चीज शस्त्र खरीदा गया, सब चीज हुआ, उसको फुल पावर दिया, तो कितना सुंदर है ये। और कोई जनता का आप क्या सोचते हैं कौन प्रधानमंत्री होना? अरे मोदी तो सबका नौकरी भी ले लिया, तो कहने का मतलब है कि राहुल बनता तो सब लड़का लोग को नौकरी हो जाता है, जे चला जाता है, ये बात है। काम मोदी किया है लेकिन सब लड़का सब को नौकरी ले लिया, पेंशन ले लिया, तो बात है ना। ये जनता का मूड है और अलग अलग मिजाज लोगों का रहता है, और यही मिजाज ईवीएम तक पहुंचता है, वोटिंग मशीन तक पहुंचता है। और वोट देने जाते हैं आप? नहीं जाते हैं? तमाम और भी यात्री मौजूद हैं। मोदी ऐसे जो भी काम करता है अच्छा करता है। अच्छा, हमारे अहमदाबाद में जो भी काम करते हैं ना अच्छा करते हैं भाई। अच्छा काम किया? हाँ, बहुत ना बहुत अच्छा करा है। बहुत टाइम से रहते हैं, बचपन से हम लोग गुजरात में रहते हैं, बाकी जो भी करा अच्छा करा है। ठीक है, मत है और यही मत सरकार बनाता है। क्यों भाई साहब, आप क्या जो बोला सही बोला, आप क्या बोले? हम क्या सही बोला? अरे बाबा हम क्या बोले, हमारे लिए सब जो बनेगा ना वो सब सही है। सब सही है? हाँ सब सही है। हमको परदेश में कमाना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, दिक्कतदारी उठाना ही पड़ेगा, और क्या करें है, दिक्कतदारी उठाना पड़ेगा। टिकट बनाने देता हूँ 3 महीना पहले से, टिकट बनता है नहीं, RSC आता है, कन्फर्म जल्दी होता है नहीं, इतना भीड़ है, एक दो गाड़ी और निकालो, सुविधा करो थोड़ा। क्या बोले भाई, हमको मत दो, अब हमारा खालू को दे दो थोड़ा। ये कहते हैं कि ट्रेन और बढ़नी चाहिए और इससे आराम से पहुंच सकें, आराम से पहुंचेंगे तो मज़ा आएगा। बताइए प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों बनना चाहिए? ये मर्स उन्नति हमत नरेंद्र मोदी बनना चाहिए या क्यों बनना? आपका अच्छा अच्छा काम करते
करते हैं, नाना माना का भी काम करते हैं ये लोग। हमें मोदी ने अच्छा काम किया। ये जनता है, जनता कुछ भी समझ सकती है, कुछ भी कह सकती है, और जब जनता वोट देने के लिए आगे बढ़ती है तब ईवीएम का बटन दबाती है और सरकार बनती है और बिगड़ती है। अब जब वोट देने आप जाते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बननी चाहिए अभी बीजेपी की, क्योंकि अच्छा विकास कर रहा है बीजेपी। तो आप तो मुस्लिम है क्या? हाँ मुस्लिम है जी। तो मुसलमान तो कहते हैं कि बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है तो सच्ची है, अभी तो विकास ही है और क्या है। अच्छा जी, तो डर नहीं लगता भाजपा से? नहीं, किस चीज़ की डर है, हर जगह रहते हैं, सबको ऐसे कोई डर नहीं है जी। नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी आप कह रहे हो बाद में वोट दूसरे को दे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की विरोध में। नहीं नहीं कोई विरोध में नहीं है। आप भी वोट देने के लिए जाते हैं जी, तो कौन प्रधानमंत्री बन गया? कौन प्रधानमंत्री बनने का सवाल नहीं है, जो देश का विकास करे उस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। अब विकास करने वाले बहुत सारे हैं, अभी तो सामने मोदी जी हैं। अब हमारे देश का मामला ये है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, पब्लिक पसंद करती है किसने अच्छा काम किया किसने अच्छा नहीं किया। अब सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये तो फिर बात की बात है। आपको कैसे लगी मोदी सरकार 10 साल में चलेगी? हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास जो नारा था उस हिसाब से ठीक है। देखिए एक आदमी कमा करके उसकी सारी आरजू पूरी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ कमी तो होना ही है ठीक है। जो बीजेपी सरकार है मोदी सरकार है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ तरक्की है कुछ कमी है, तो आने वाली सरकार को इससे उम्मीद यही है कि जो आने वाली सरकार होगी जो कमी है उसको पूरा करे और आगे तरक्की करे। सबका साथ सबका विकास, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी होती है और आने वाले सरकार से यही उम्मीद है कि वो और बेहतर काम करें जिससे देश विकास के पथ पर दौड़ सके, देश प्रगति के पथ पर दौड़ सके। हमारा क्षत्रिय समाज का विरोध किया है इसीलिए हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्षत्रिय समाज का हाँ विरोध किया है इसीलिए हम वोटिंग नहीं करते, कोई हमारा क्षत्रिय नहीं करेंगे वोट। आप ये समझ सकते हैं कि वोट नहीं करेंगे, आप वोट देने जाते हैं? आप भी देते, आप देते हैं? देते हैं। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जो विकास करे वही। और क्या, जो अच्छा काम करता हो दे वो बन सकता है। राहुल क्या बोलते हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। अच्छा काम करते हैं। गठबंधन तो कहता है कि कौन सा चैनल जी काम नहीं करते, तो विपक्ष को समझना चाहिए काम नहीं करो क्यों नहीं काम हुआ, लेकिन बाकी काम तो हो रहा है। काम हो रहा है, सबकी अपनी अपनी राय है और अपना अपना मत है। लोग बहुत कुछ सोचते हैं वोट देते समय और उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल। अब भाई पानी कैसे बिक रहा है? बहुत बढ़िया बिक रहा है। अच्छा, तो बढ़िया तरीके से पानी पियो। जनता क्या कहती है? जनता उन्हें कहती है खूब बढ़िया चल रहा है काम, थोड़ा सब लिए सिर्फ बढ़ जाए। और आप बताइए, आप वोट तो सबका होता है? सबका जी है, गरीब का वोट आता है तो गरीब वोट चलता है, सबका चलता है वो तो सामने ही। अच्छा, कोई भी आवे इसमें कोई थोड़ी होता है, मेहनत तो मेहनत करनी है। अच्छा, और क्या, किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी मुझे नहीं मालूम किस सरकार बनाए, सबका बन जाए, सबकी जिसका बन जाए उसका मेहनत है उसमें, तो किसी की भी सरकार बन जाए और काम सबको करना है और काम करते हैं तभी सरकार बनती है, तभी घर चलता है, और जब घर चलता है परिवार का भरण पोषण होता है। मतलब वोट देने जाते हैं आप? वोट देने जाते हैं? प्रधानमंत्री कौन बढ़िया है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनना चाहिए। मोदी ही बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अच्छा ही काम कर रहा है वो। अच्छा कैसे? हाँ जी, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनने चाहिए। क्यों?
अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसलिए अच्छा सब अच्छा कर रहे हैं। बताओ क्या क्या बुरा किया आपके, बताओ आप अच्छा बताओ। सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, उनकी योजना है सारी अच्छी है, बिल्कुल। एक मिनट भैया जी, राम मंदिर का मैटर सुलझा ही दिया उन्होंने, बनवा दिया राम मंदिर। विपक्ष कहता था पहले कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताई, बनवा दिया अब तो उसका, भगवान राम प्रतिष्ठित हो गए उसमें। राम जी का मंदिर भी चुनावों में बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर कहीं ना कहीं असर भी दिखा सकता है, लेकिन जनता के सामने तमाम सारे मुद्दे रहते हैं। जनता किसी एक मुद्दे को लेकर वोट देने नहीं जाती है, सबके अपने अपने मुद्दे रहते हैं, अपना अपना मत रहता है, लेकिन वोट देने जाना चाहिए। जब आप वोट देंगे तब आपकी पसंद की सरकार बनेगी। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ गुवाहाटी ओका एक्सप्रेस से राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।